सो हेलो माई ब्यूटिफुल सोल्स, वेलकम टू माई चैनल पीपल टैरो। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे हो, अगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हु हैज़ ए सीक्रेट क्रश ऑन यू? कौन आपको चुपके चुपके से पसंद करते हैं? ओके, कौन है वो पर्सन? सो गाइस, यहाँ पे है आपके सामने पायल्स। ओके, आपके सामने फर्स्ट पायल के लिए एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पे, एंड ऑल्सो डेट ऑफ बर्थ भी है यहाँ पे, 1618, 14, 24, 16, 12, 10, 26, 28, 8, 20, 31 एंड 30। सो गाइस, फर्स्ट फाइल के लिए ही है, ओके, डेट ऑफ बर्थ जिनकी भी हैं एंड एम्प्रेस कार्ड है, ओके। एंड ऑल्सो इस सेकेंड फाइल के लिए ही आपके लिए चैरियट कार्ड, ओके, आपको दिख ही रहा होगा। एंड ऑल्सो 2, 11, 5, 15, 3, 9, 17, 7, 21, 13, 19, 25, 23, 27 एंड 29। ओके, सो गाइस, सेकेंड पाल के लिए डेट ऑफ बर्थ एंड यहाँ पे चैरियट कार्ड है। ओके, सो गाइस, आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप बहुत इजीली पिक कर सकते हो अपने लिए ऑप्शन। ओके, एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में रहेंगे गाइस, आप वहां से सीधा जाके अपने पाइल को पॉज करके अच्छे से देखना पहले। ओके, जहां पे मैंने चूज अ पाइल लिखती हूँ, ठीक है, पिक का पाइल। सो आप अपने देन आफ्टर दैट अपने टाइम स्टैम्प्स के ऊपर क्लिक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है। ओके, उसके जस्ट ऊपर ही इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे। ओके, एंड डीएम कर सकते हो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है। ओके गाइस, सो स्टार्ट कर ले। देते हैं आपकी रीडिंग को। हु हैज़ अ सीक्रेट क्रश ऑन यू गाइस? कौन है वो पर्सन जो आपको चुपके चुपके से पसंद करते हैं? सो गाइज, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट फाइल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से है, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है, तो आप फर्स्ट फाइल पिक किए हो। तो गाइज, आपके लिए देख लेते हैं, हु हैज ए सीक्रेट क्रश ऑन यू। सो यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है गाइज, सबसे पहला कार्ड एम्प्रेस का है। सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि यस, आप लोगों को जो सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं पर्सन, वो हैं गाइज अर्थ साइन के पर्सनों के, बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज हैं उस पर्सन की। एंड चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है गाइज, बहुत ज़्यादा मदरली केयरिंग नेचर है उसका, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जीज हैं उसके अंदर ज़्यादा, मतलब लाइक मदरली केयरिंग, मम्मा की तरह, जैसे दुलार करना, प्यार करना। ओके, ये सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो मुझे और दिख रही है एक चीज़, बहुत अच्छी रिच अबंडेंट फैमिली से हो सकते हैं, ठीक है, वो पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, मतलब चुपके चुपके से, मतलब आपको बताते नहीं है इतना, ठीक है, ये वो पर्सन है। टॉरस साइन के हो सकते हैं ये, ग्राउंडेड एनर्जीज हैं, मनी लवर हो सकते हैं, लाइक होता है ना, जिन कई लोगों को पैसा पसंद होता है, ठीक है, उनको कमाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, सो वैसे पर्सन हो सकते हैं ये, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क भी करते होंगे ये। एंड ऑल्सो उनके पास हर एक चीज़ है गाइज, उनकी लाइफ में उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, उनके पास हर एक चीज़ है जो उनको चाहिए। ओके, सो एम्प्रेस की एनर्जीज हैं गाइज, एम्प्रेस आपको पता ही है, एम्प्रेस सबसे बेस्ट एनर्जीज पाई जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब एनर्जी सबसे अच्छी है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी की भी एनर्जीज होती हैं, ठीक है ये। सो अगर आपको ये पर्सन, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैरिड है, ठीक है, पहले से ही, या ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके साथ बेबी चाहते हैं आगे फ्यूचर में, ठीक है, आपके साथ फैमिली कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, एंड देख लेते हैं क्यों नहीं ये आपकी तरफ आ पा रहे, ठीक है, क्यों आपको लाइक प्रपोजल नहीं दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देन आफ्टर दैट सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देन गाइस किंग ऑफ कप्स एंड ऑल्सो लवर्स कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो ये लवर्स का कार्ड है, फोर ऑफ कप्स। सो आप लोग वाटर साइन के हो सकते हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, या फिर एरीज लियो सेजिटेरियस, जेमिनाई साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पे, नाइन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ओके, एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, कई सी पर्सन ना
आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब इन आपकी वजह से या आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा लाइक हार्डवर्क भी करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, और दूसरी ऑप्शंस को ये मतलब पीछे कर रहे हैं कि यस आप मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही पर्सन चाहिए, इनके ऊपर मेरा क्रश है, मुझे यही चाहिए, इसके बिना और कोई नहीं चाहिए, मतलब आप ही चाहिए इनको और कोई नहीं चाहिए, ये वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकते हैं। सो गाइस आप जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड, ओके, आपसे एनर्जीज रेजोनेट हो भी सकती हैं, जितनी हो रही है गाइस उतना ही लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज होगा, ओके। ये जो भी पर्सन है गाइस, सेवन ऑफ कप्स, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, बट ये आपको चूज करना चाहते हैं, आपको पिक करना चाहते हैं, ठीक है। इनके पास अपना करियर के ऊपर काम करने के लिए टाइम है, ये अपने लाइफ में और कुछ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपनी लाइफ में इनके पास और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, गर्ल्स की या बॉयज़ की, ठीक है, बट ये पर्सन आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ओके, एंड आपके साथ ही इनको अच्छा लगता है, एंड आपकी वजह से रोते भी हैं कभी कभी रात में, अपने आप को स्ट्रक फील करते हैं कि कैसे आपको अपनी तरफ लाया जाए, कैसे आप लोग मानो, ठीक है, इनके बारे में, मतलब इनको अपना मानो, ठीक है, एंड इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बट ये आपका ही कप लेना चाहते हैं, एंड आपका कप इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज मुझे लगता है कि आपको वो चाहते हैं कि पहले आप कप रिसीव करो, ठीक है, जो यूनिवर्स उनको दे रही है, या ये कप आपको दे रही है बट आप रिसीव नहीं कर रहे हो इनका कप, ठीक है। सो इन्होंने प्रपोज कर भी दिया होगा इन द पास्ट, एंड यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइज, यहाँ पे थोड़ी सी लाइक मनी इश्यूज यहाँ पे या तो आपकी लाइफ में है, एंड आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ये आपकी हेल्प के लिए आगे आना चाहते हैं, ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, सो आपकी हेल्प के लिए आगे आना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बिकॉज यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, ओके, बहुत लव है यहाँ पे, बिल्कुल भी प्यार की कमी नहीं है आपके, इनके पास ऑप्शंस हैं, यस यहाँ से भी फिर से ऑप्शंस का ही मैसेज आ रहा है मुझे, ऑप्शंस बहुत हैं बट ये आपको ही पिक करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब आपको ही चाहते हैं बिकॉज आपका इनके साथ कोई ना कोई पास्ट का रिलेशन है। सो गाइज यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि यस आप दोनों ही पास्ट लाइफ से भी एक दूसरे के साथ हो सकते हो, ठीक है, इस वजह से भी ऐसा रिलेशनशिप फील हो रहा है इस पर्सन को आपके साथ, ओके, लाइक किसी स्कूल कॉलेज में या फिर इसी लाइफ टाइम में मीन्स, ठीक है, या फिर पास्ट लाइफ में, ठीक है, पिछले जन्म में भी हो सकता है ये सब चीज़ें हों, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स है, मतलब एज में भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, एक लाइक बड़े एज के लाइक 5 या 10 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है, 5 6 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, इनका कुछ कुछ लोगों के लिए 11 और 15 ईयर्स का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आपने देखा ये एक्टर एक्ट्रेसेस कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उनके एज में, ठीक है, लाइक मैरिज के लिए भी आपने देखा ही होगा। सो यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है ये पर्सन स्ट्रांग खड़े हैं, ठीक है, इसको आप ही आपके ही पास पास आना है, ठीक है, ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, एंड स्ट्रांग पर्सनालिटी भी दिख रही है, जितने भी ज़्यादा इनकी लाइफ में रुकावटें आ जाएं आपकी तक आपके तक इनको पहुँचना ही है, ठीक है। सो आई डोंट नो वाई गाइस मेरी मतलब ऐसा हो रहा है, लाइक ये पर्सन ना कुछ बोलना चाहते हैं बट नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, लाइक मेरी जवान अटक रही है आज थोड़ा सा, ठीक है, लाइक होता है ना कि यस थोड़ा बोलने में अटकना, एकदम से मैसेज आना और चले जाना, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो ये बोलना चाहते हैं बट नहीं बोल पा रहे हैं, सो बहुत इमोशनल एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, इमोशनल पर्सन हो सकते हैं ये, एंड ये पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वाटर साइन के हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस किंग की एनर्जीज हैं यहाँ पे, ओके, आप एक एम्प्रेस हो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है, या आपकी लाइफ में अगर मनी इश्यूज हैं तो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, आपको इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हैं ये पर्सन जिनका भी आपके ऊपर क्रश है, ओके। सो गाइज अगर आप लोगों का किसी के ऊपर क्रश है तो ये एनर्जीज आपके ऊपर हो सकती हैं, ठीक है। सो गाइज खुद ही सोच लीजिएगा, वाइसा वर्सा एनर्जीज, ओके, एंड ऑफकोर्स यहाँ पे ऑप्शंस तो हैं गाइज इस पर्सन के पास या आपके पास, ठीक है, सो वाइसा वर्सा एनर्जीज आप खुद ही देख लीजिएगा, बट यहाँ पे ऑप्शंस एक पर्सन के पास हैं बट वो नहीं चाहता है उन ऑप्शंस को कंसीडर करना, ओके। सो यहाँ पे है विक्ट्री कार्ड, ओके, सो विक्ट्री कार्ड गाइज यहाँ पे आपको यही बता रहे हैं कि यस ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं,
28 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके सो सी दिस, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, मैंने आपको बताया भी है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से कि यस ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी रखते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये पर्सन. एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि यस लॉयन की एनर्जीज है इनके अंदर, लियो साइन के हो सकते हैं ये. एंड विक्ट्री, हर एक चीज़ में विक्ट्री पाना इनको पसंद है, हर एक चीज़ को जीतना पसंद है. ठीक है, सो ये किसी भी तरह आपको हारना नहीं चाहते हैं. ठीक है, लाइक जैसे भी करके, मतलब आपके सामने अभी नहीं बोल रहे हैं, वो कोई इश्यूज हो सकते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ आपको भी पता होगा, रीजंस हो सकते हैं, या अगर ये मैरिड हैं या फिर कुछ और बात है. ठीक है, या आप मैरिड हो, ठीक है, ये हो सकते हैं, या फैमिली इश्यूज भी हैं. ठीक है, सो ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं. आपके लिए 15 नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, या 5-5 नंबर आपको दिखता हो तो आपकी लाइफ में चेंज आना चाहता है. ओके, चेंज की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है. ओके, सो ऑफ कोर्स अटैच फील करते हैं ये पर्सन, अटैचमेंट है इस पर्सन को आपके साथ. ठीक है, अटैचमेंट यहाँ पे दिख रही है. सो यहाँ पे ऑफकोर्स आपको भी बोला जा रहा है पास्ट के एनर्जीज को, मतलब मैंने आपको बताया ना पास्ट के एनर्जीज से हैं ये पर्सन. ठीक है, सो आपके पास से हो सकते हैं ये पर्सन आपके. ठीक है, लाइक पास्ट लाइफ आपने जी हो. ठीक है, सो वहीं से आपके साथ आए हो, बट इस लाइफ टाइम में आपको बोला जा रहा है कि आप अपने मुंह पे लाइक मास्क मत पहनिए. ठीक है, कि ऐसे ये पर्सन नहीं हो सकता ऐसा, या वो पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं मास्क, बट आपको बोला जा रहा है कि यस अगर पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप दिख रहा है आपको इस रिश्ते में. सो गाइस, आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो अगर आपको लगता है कि यस कोई पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टाइम्स टाइम्स के जस्ट ऊपर. एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही हो, एंड लाइक कर सकते हो रीडिंग को. ओके, सो यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन हार्ट है. यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि बहुत इमोशनल एनर्जीज हैं यहाँ पे आपकी और उनकी भी. ठीक है, 44 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. अपने दिल को लाइक उन्होंने अपने दिल को बहुत, मतलब मैंने आपको बताया ना एम्प्रेस की एनर्जीज बहुत फेमिनाइन एनर्जीज हैं. ठीक है, लाइक फेमिनाइन मतलब बहुत ज़्यादा मदरली केयरिंग नेचर, आपसे बड़ी एज के हो सकते हैं ये पर्सन, एंड इनका दिल आपके लिए ही है. ठीक है, अवेलेबल. सो यहाँ पे फोर चक्र आर्कएंजल रेफियल भी आ चुके हैं. आर्कएंजल रेफियल आपका हार्ट को हील करते हुए दिख रहे हैं, एंड आपके हार्ट को ओपन करने के लिए भी आए हैं. ठीक है, सो यहाँ पे यही है कि आपका हार्ट चक्र ओपन करते हुए दिख रहे हैं आर्कएंजल रेफियल. हेल्प की जा रही है कि आप फीलिंग्स को समझ सको किसी की. ठीक है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 38 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ऑल्सो गाइस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रही है, बटरफ्लाइज आपको बहुत दिखती होंगी. ठीक है, सो ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है आपकी लाइफ, अच्छे वे में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रही है यहाँ पे. एंड यहाँ पे है गाइस मैन होल्डिंग अ थिंकिंग मैन. सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लाइक देख सकते हो आप लोग. ठीक है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, जो कार्ड्स में आ रहे हैं वही एनर्जीज बोल रही हूँ. ठीक है, सो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन की तरह मानते हैं, प्रीशियस मानते हैं. ठीक है, लाइक डायमंड, प्रीशियस जेम्स होते हैं जो हमारे. ठीक है, कीमती जेम्स. ठीक है, उनकी तरह आपको मानते हैं ये. आपको जैसे हम किसी चीज़ को अपने पास कैसे संभाल के रखते हैं, वैसे ही आपको ये रखना चाहते हैं. ठीक है, सो आई डोंट नो वाई, बट ये पर्सन कौन है, बट बहुत अच्छे पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पे, इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं. 46 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, एंड ऑल्सो 10 नंबर, ओके 1 नंबर, सो 4 नंबर, ओके 6 नंबर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए. ओके, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेटजी गाइस, 21 नंबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड ऑल्सो 3 नंबर. सो स्ट्रेटजी यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से रेडी की गई है. ठीक है, कि कैसे आप दोनों को मिलवाना है, कैसे कैसे आप दोनों को किस किस चीज़ों में से निकलना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट आप दोनों मिल पाओगे. ठीक है, सो ये यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, सो आपको गाइस देख लेते हैं और आगे इनकी तरफ से क्या मैसेज है, कौन हो सकते हैं गाइस ये पर्सन, और देख लेते हैं यहाँ से. सो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे. 1 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, सो पैशनेट
पैशन इग्नाइटेड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ हैं आपके लेकर। मैंने आपको पहले बताया बहुत फायरी एनर्जीज में रहते हैं, लियो साइन की हो सकते हैं। ओके, हर एक चीज़ के लिए पैशन रहता है इनके अंदर, और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा है। ओके, सो यहाँ पे है स्पिरिचुअल यूनियन। वाओ, वन के बाद टू नंबर एंड गाइज डबल होती हुई दिख रही है एनर्जीज। एंड ऑफकोर्स वन एस ऑफ वॉन्ड्स वन होता है, एंड यहाँ पे टू ऑफ कप्स हैं, सो टू के एनर्जीज आ चुके हैं। सो एक से बड़े, एक से भले दो, ठीक है, 11 नंबर आपको पता होगा। सो एक एक मिलके 11 बन जाते हैं, तो वही यहाँ पे सीन दिख रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए दिख रही है आप दोनों की। स्पिरिचुअली आप दोनों मिल सकते हो, ठीक है, किसी ना किसी रीजन से आप दोनों ही स्पिरिचुअली गाइडेड हो सकते हो एक दूसरे से। जैसे भी मिलना है वो स्पिरिचुअली जो आपके लिए रास्ता बनाया गया है उसके थ्रू ही आप दोनों मिलोगे, ठीक है। सो यहाँ पे है गाइज आपके लिए ट्रुथ। सो यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट की एनर्जीज हैं, ठीक है। सो जस्टिस की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं, बट है ये जजमेंट का कार्ड। सो आपको कहा जा रहा है आपको जजमेंट मिलेगी। ओके, इस पर्सन को भी जजमेंट मिलेगी, दोनों ही एक दूसरे के लिए सही दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। कोई भी यहाँ पे मुझे यहाँ पे कमी नहीं दिख रही है आप दोनों में, ठीक है, एक दूसरे के लिए। एंड इक्वल गिव एंड टेक ही दिख रहा है यहाँ पे। ओके, जैसे वो पर्सन आपके साथ अच्छे से व्यवहार या प्यार करेंगे वैसे ही आपको भी करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, सो होप रखिएगा ये सब कुछ सही होगा, होप आपके लिए आया है, ठीक है। स्टार का कार्ड है ये, ठीक है। सो आपके लिए एनर्जीज आई हैं स्टार की। सो ऑफकोर्स आप ये पर्सन फेमस पर्सनालिटी के भी हो सकते हैं, ये आपको हील करने के लिए ही आपके पास आएंगे। ओके, सो हीलर हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, एंड ऑल्सो 17 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड ऑल्सो 8 नंबर 7 नंबर। ओके, सो यहाँ पे होप रखी हुई है इस पर्सन के, यस यू आर देयर एंड आपके पा आपके आप उनके ही हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पे अगेन वन नंबर आ चुका है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर और अर्थ एनर्जीज का। इस मैंने आपको क्या बताया, फायर एनर्जी को भी सकते हैं ये पर्सन, एंड ये टॉरस का कार्ड है, ठीक है। सो अर्थ एनर्जीज ये हैं एंड फायर एनर्जीज वो हैं, ठीक है। सो दोनों ही एक दूसरे के लिए, यस यहाँ पे थोड़ी कंपैटिबिलिटी, यस थोड़ी सी कम होती है, बट जहाँ पे पैशन होना वहाँ पे कंपैटिबिलिटी खुद ही खुद आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्पेरिटी बिगेन्स है, सो आप दोनों की लाइफ में प्रोस्पेरिटी आते हुए दिख रही है, ठीक है। मनी रिलेटेड अगर इश्यूज थे वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। प्रोस्पेरिटी खुशियों के रूप में भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़ के थ्रू प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है, लव के थ्रू हो सकती है प्रोस्पेरिटी। ओके, बट यहाँ मनी दिख रही है एंड ऑल्सो लव दिख रहा है, दोनों ही दिख रहे हैं। सो सोने पे सुहागा है ये, ठीक है। सो गाइस, ओ माय गॉड, फर्स्ट पाइल, आई डोंट नो व्हाई हु हैज़ ए क्रश ऑन यू, बट यस ये पर्सन आपके लिए बेस्ट पर्सन हो सकते हैं अगर आप इनको अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह देखो, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स है, अगेन सिक्स ऑफ कप्स आया है, मतलब नीचे से जो टैरो कार्ड्स थे उनके बीच में भी सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड था। सो गाइस, सिक्स ऑफ कप्स आपको दिखाता है कि यस ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके सोलमेट हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में आपका साथ देने आए हैं हर एक सिचुएशन में, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपके साथ मेमोरीज बनाने आए हैं अपनी लाइफ में लव के लिए। ओके, एंड ऑल्सो गाइस ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से आपके साथ हो सकते हैं, ठीक है, पिछले जन्मों का रिश्ता हो सकता है ये, जिसे कहते हैं ना साथ फेरों में बंधाइए रिश्तों का बंधन, ठीक है। सो ये सिचुएशन हो सकते हैं, सात जन्म हो सकते हैं आपने लिए हों, ठीक है, या और उससे भी ज़्यादा लिए हों। सो गाइस, यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि यस ये पर्सन बेस्ट पर्सन है आपके लिए। ओके, आपके लिए एक एडवाइस लेना चाहती हूँ, ठीक है, यहाँ से। सो गाइस, लाइक कर दीजिए रीडिंग को, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके, सो दैट हमारा चैनल, हमारी फैमिली और बड़ी हो एंड आपको ऐसी अच्छी अच्छी रीडिंग्स मिलती रहें, ठीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, सो आपकी लाइफ में एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छे वे में, मतलब गेन कर रही है मोमेंटम को, ठीक है, आगे बढ़ रही है, एनर्जीज भी बढ़ते हुए दिख रही हैं यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, सो बोल्ड बनिए, आपको बोला जा रहा है फर्स्ट मूव लीजिए अपनी तरफ से। ओके, अपनी लाइफ में आप भी ले सकते हो मूव अगर वो नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, अगर उनको इश्यूज हैं, लाइक उनको डर लग रहा है आपसे, तो गाइस आप भी मूव कर सकते हो उनकी तरफ, ठीक है, एक्शन ले सकते हो आप भी, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी,
सो रिलीज करिए नेगेटिविटी को जितना अच्छा हो उतना, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज गेन करिए मोमेंटम, अगर नेगेटिव एनर्जीज लाओगे तो नेगेटिव ही हो जाएगा सब कुछ. ओके, सो गाइज पॉजिटिव एनर्जीज रखिए. लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को दबा देना गाइज. पीपल टैरो को शेयर भी कर सकते हो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ. एंड ऑल्सो गाइज आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे चाहते हो फॉलो करना तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड अबाउट सेक्शन में है, ठीक है. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है तो आप मुझे DM कर सकते हो. सो गाइज अभी के लिए इतना ही, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय. सो हेलो माई ब्यूटिफुल सोल्स, वेलकम टू माई चैनल पीपल टैरो. सो गाइज कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होकर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे. सो गाइज गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो गाइज आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ. माई लवली स्वीट फैमिली, हु हैज़ ए सीक्रेट क्रश ऑन यू, कौन आपको पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत मतलब कौन आपको पसंद करते हैं चुपके चुपके से. ओके, आपको नहीं बता रहे, क्रश है उनका आपके ऊपर, ठीक है. सो यहाँ पे है गाइज डेट ऑफ बर्थ. ओके, आप लोग इसको ही पिक करके आए होगे, ठीक है. सो आप इसको पिक कर लीजिए, ठीक है. आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैं दोबारा दिखा रही हूँ आपको. सो यहाँ पे गाइज अगर आप इसको पिक नहीं करना, इसको पिक नहीं करना चाहते हो, आपने इंट्यूटिवली पिक किया है गाइज कार्ड, तो यहाँ पे है आपके लिए चैरियट कार्ड. सो चैरियट की एनर्जीज गाइज मुझे यहाँ आई ये बता रही है कि ये जो भी पर्सन है ना, सबसे पहले तो ये पर्सन विक्ट्री लवर है, इनको जीतना पसंद है हर एक चीज़ में, ठीक है. लाइक अपनी लाइफ में हर एक चीज़ चाहिए जिसमें ये विनर हों. ओके, एंड ऐसे ही कुछ एनर्जीज फर्स्ट फाइल में भी आई हैं, ठीक है. थोड़ी सी मतलब 1-2% एनर्जीज ऐसी आई हैं, बट यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को ट्रैवलिंग पसंद है, ट्रैवल लवर हो सकते हैं, ट्रैवलिंग लवर हो सकते हैं, इनको घूमना वगैरह बहुत पसंद है, ठीक है. सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन को अपनी एनर्जीज बैलेंस करके रखना बहुत पसंद है. मतलब ये पर्सन लाइक होते हैं ना, जैसे अगर लड़का है तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट बोल सकते हैं ना, सख्त लौंडा हो सकता है, ठीक है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है. सो आप लोग कमेंट में हंसना मत, ठीक है. सो प्लीज़ मेरे माइंड में जो आया मैंने बोल दिया. ओके, सो यहाँ पे चैरियट का कार्ड है. सो ऑफ कोर्स लाइक होता है ना, इस पर्सन अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो उसका ऑपोजिट समझ लेना, ठीक है. सो यहाँ पे है चैरियट. सो ऑफ कोर्स अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके, लाइक ना ही ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज में जाना, ना ही ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज में जाना, बैलेंस रहना, ठीक है. नॉर्मल, किसी भी चीज़ से अट्रैक्टेड ना फील करना जल्दी, बट यस आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपके ऊपर क्रश है, और किसी भी चीज़ के ऊपर क्रश इनको नहीं है, ठीक है. एंड या ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में, अगर हम सेकेंड कुछ लोगों के लिए देखें तो गाइज मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जीज में रहते हैं, ठीक है. कुछ पर्सन्स के लिए मुझे स्पेसिफिक मैसेज आया है ये कि यस इससे ऑपोजिट बोलो, ठीक है. सो कुछ लोगों के लिए ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियों के ऊपर इनकी, लाइक लड़कों के ऊपर, बॉयज़ के ऊपर या गर्ल्स के ऊपर, लाइक होता है ना जैसे आंखें रहती हैं, ठीक है. मतलब पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज क्यों आया, बट यस मैं पॉजिटिव ही रखना चाहूँगी इस रीडिंग को. बाकी आप देख लेना कि आपके ऊपर ये मैच हो रही है या नहीं, बट यस ये पर्सन की और क्रश भी हो सकती हैं, ठीक है. दो दो क्रश हो सकते हैं इनकी, किसी ना किसी और के ऊपर भी क्रश हो सकता है. बाकी हम देख लेते हैं, ट्रैवलिंग लवर तो है ये पर्सन, ठीक है. हर एक चीज़ में विनर बनना पसंद है इस पर्सन को. ओके, सो गाइज अगेंस्ट मत होना मेरे कि यस मैंने क्या बोल दिया, ठीक है. सो जो मेरे बिल्कुल लगा कि यस मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है, मैं वो दूंगी. ओके, सो मैं ऐसा नहीं हूँ कि बटरिंग करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है. सो जो भी मैसेज आएगा ऑफ कोर्स मैं दूंगी उसको, ठीक है. सो यहाँ से देख लेते हैं टैरो के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं. ओके, हु हैज ए सीक्रेट क्रश ऑन यू, किसका आपके ऊपर, कौन आपको पसंद करता है चुपके चुपके से. ओके, सबसे पहले डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. ओके, चेंज का कार्ड है. यहाँ पे आप लोग स्कॉर्पियो साइन के हो सकते हो, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपकी. ओके ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही कार्ड स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आई हैं. डेथ का भी कार्ड है यहाँ पे. ओके, टेम्परेंस. ओके,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स गाइस, तीन कार्ड्स तो फर्स्ट पाइल वाले ही आ चुके हैं इतने शफल करने के बाद भी। तो फर्स्ट पाइल देख लेना अगर आपको लगता हो ठीक है। लाइक विक्ट्री वाला मैसेज मैंने फर्स्ट पाइल में भी दिया है, सो आपको वहाँ से भी मैं बोल रही थी ठीक है। सो यहाँ पे फूल कार्ड है अगेन, फोर्थ कार्ड यहाँ पे इतने शफलिंग के बाद आ चुका है सेम कार्ड ठीक है। सो मैंने आपके सामने ही शफल किए हैं तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो। सो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ये पर्सन कौन हो सकता है, यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, ओ माई गॉड, ये भी सेम मैसेज है। सो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स गाइस, एनर्जीज मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि यस ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज में रहते हैं ठीक है। बाकी ये पर्सन गाइस इमोशनल भी हैं, इनके दो साइड्स हो सकते हैं, एक साइड तो ये इमोशनल है, एक साइड बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज में रहते हैं। इनको फ्रीडम पसंद है गाइस, घूमना फिरना पसंद है इस पर्सन को ठीक है। सो ऑफकोर्स इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इस पर्सन को घूमना फिरना पसंद है ठीक है। मनी रिलेटेड इसकी लाइफ में अगर इश्यूज चल रहे हैं तो गाइस ये पर्सन उसके ऊपर पूरा हार्डवर्क करके उसको मनी को के इश्यूज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देन आफ्टर दैट फिर से अपनी लाइफ में घूमना पसंद करते हैं, मतलब घूमने चले जाते हैं, कहीं पर ट्रैवल करने चले जाते हैं ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यस इनके पास डॉग हो सकता है ठीक है, या फिर इनको ये लॉयल हो सकते हैं ठीक है, ये भी हो सकता है कि लॉयल हो सकते हैं। एंड डेथ का कार्ड है, इन्होंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को फेस किया है, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन को ही फेस कर रहे हैं ठीक है। सो चेंज आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे इनकी लाइफ में बहुत बड़ा। आपके जो भी क्रश हैं इस पर्सन को पता है कि यस आप इनको पता नहीं चूज करो ना करो, बट यस ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ भी ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज इन्होंने अपने पास्ट को मिटा दिया है, जो भी हो गया उसको ख़त्म कर रहे हैं, ये अब न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं ओके। एंड ऑल्सो एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का आना कि यस मैंने आपको कहा एट ट्रांसफॉर्मेशन से अब न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है, सब कुछ ख़त्म करके न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सो एट ऑफ स्वॉर्ड्स अगर स्ट्रक थे कहीं पे ठीक है, सो स्ट्रकनेस से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, अगले स्टेज में आते हुए दिख रहे हैं नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स में ओके। सो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का इस यहाँ पे यही दिखा रहा है कि यस ये पर्सन है जो रातों की नींद इनकी उड़ी हुई हो है ठीक है, क्योंकि आप इनको अगर भाव नहीं दिए तो क्या होगा ठीक है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स की ओर भी इशारा कर रहे हैं ठीक है, शून्य से स्टार्ट करना, शून्य के एनर्जीज में जाना ठीक है। सो मेडिटेशन कर सकते हो गाइज आप लोग ठीक है, या ये पर्सन को मेडिटेशन करते होंगे या ये पर्सन ठीक है। एंड टेम्परेंस गाइज, अगर इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो तो इनको पेशेंस चाहिए, अगर ये पर्सन चाहता है कि यस आप अभी इनको मिल जाओ तो गाइज इसको भी पेशेंस रखना पड़ेगा ठीक है। सो पेशेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है ठीक है। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चेकिंग दिखाता है, लाइक रिसर्च दिखाता है, ये पर्सन ऐसे किसी फील्ड में हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक होता है ना नज़र रखना ऑनलाइन भी, क्या कर रहे हैं ये पर्सन क्या नहीं ठीक है। सो ये वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकते हैं, सो आपकी एनर्जीज हो सकती हैं या आपके जो क्रश है उनकी एनर्जीज हो सकती हैं ठीक है। सो कीप एन ओपन माइंड गाइज, इट्स ऑल्सो अ जनरल रीडिंग, सो आपसे मैच हो भी सकती है नहीं भी, सो अगर जितनी मैच हो रही है गाइज उतना ही लेना, बाकी मैसेजेस को जाने ही देना ओके, वो किसी और के लिए होंगे ओके। सो यहाँ पे गाइज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पता ही है कि यस ये पर्सन आपको चेक करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं ये पर्सन ओके, आपके लिए लड़कर आगे आना चाहते हैं सीरियस। यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स है एंड ऑफ कोर्स किंग की सिचुएशन है, एंड किंग के नीचे ही गाइस टू ऑफ कप्स का कार्ड है ठीक है, टू ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको ऑफर करना चाहते हैं ये पर्सन अपना लव, अपनी मनी, अपना हर हर एक चीज ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यस ये पर्सन आपसे बे इंतहा मोहब्बत करते हैं ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये भी दिख रहा है, सो इनके ऊपर शक मत करो, मोहब्बत हो गई है जनाब को गाइस ठीक है। सो आई डोंट नो वाई मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, आपकी ही पायल में मैंने ऐसे बोला है। सो
सो ऐसे कुछ हो सकते हैं, शायरी वगैरह करना या ऐसे बोलना इनको पसंद हो, ठीक है। सो यहाँ से देख लेते हैं गाइस आपके लिए क्या रहा है। आपके लिए स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एरीस, ये राशियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। डोर टू स्पिरिट गाइस आपके लिए ओपन है, आप भगवान से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि क्या आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। आपके लिए स्पिरिट्स के डोर ओपन है, आप उनको जब मर्जी पुकार सकते हो, ठीक है। 32 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस, 5 नंबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। पिजन गाइस पीस को दर्शाता है, सो शांति, यहाँ पे शांति प्रिय पसंद हो सक शांति पसंद हो सकती है इनको, ठीक है। सो गाइस ज़्यादातर मैजेस फर्स्ट पाइल वाली ही आ रही हैं, आई डोंट नो वाई, बट ये कार्ड भी वही आ गया। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग हार्ट, ठीक है। ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड होता है, सो इमोशनल एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी दिख रही है आपको, बटरफ्लाई दिख रही होगी। सो चेंज यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी वजह से चेंज होते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं और भी, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन करते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे, अपनी लाइफ में रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं गाइस। जो भी चीज़ों में इनको रेजुविनेट, अपने आप को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, वहाँ पे रिफ्रेश भी करते हुए दिख रहे हैं अपने आप को। चेंज हो रहे हैं गाइस ये पर्सन आपकी वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड चक्रा, आर्कएंजल, चैमुआल आए हैं, सो ऑफ कोर्स आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो आपका डाइजेशन को भी देखता है, ठीक है। सो वहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आप उसका ख्याल रखिए, ठीक है। ये पर्सन को फूडी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब खाना पीना बहुत पसंद हो सकता है। हार्ट इनका ओपन है, ठीक है, दिल के दरवाजे इनके ओपन हैं ना। ऑल्सो आपके लिए स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहे हैं, इनका क्राउन चक्रा भी ओपन होता हुआ दिख रहा है। सो आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं ये, ओके। आपसे बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं गाइज ये पर्सन, ठीक है, आपके से दूर नहीं रहना चाहते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। पास्ट लाइफ से भी अटैच हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि यस आपको कहा जा रहा है कि यस इतना अटैच मत हो जाना आप इस पर्सन के साथ कि यस आप अपनी लाइफ को जीना ही भूल जाना, ठीक है। बिकॉज ये दुनिया है, ये लाइफ है, ठीक है। सो ज़्यादा अट्रैक्शन और ज़्यादा अटैचमेंट भी अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। चाहे खुद के पेरेंट्स ही हूँ, को इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि अगर उनको कुछ हो लाइफ में, वैसा ना हो, भगवान करे ना हो, जैसे हमारे साथ हुआ है गाइस। मेरे मम्मा नहीं रहे अभी, 6 मंथ्स पहले उनका डेथ हुआ है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आप उन मेरे बारे में सोच सकते हो कि यस हम कैसे रह रहे हैं, ठीक है। सो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगता है मुझे कि यस अटैच, मैं स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा थी तो मैंने अपने आप को संभाल पाई हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। एंड सभी को संभाला है मैंने, अपने फादर, अपने ब्रदर को। सो वो भी अपनी लाइफ में यस आगे बढ़ गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं कि इट्स ओके, जो हुआ है उसका रीज़न था, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। बट यस उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं यही कहूँगी अपने मम्मा को, ठीक है। बहुत अच्छे रहें, खुश रहें वो अपनी लाइफ में। सो आप भी ऐसे ही दुआ करना, ठीक है, प्रे करना मेरे लिए, भगवान शिव से, कृष्णा जी से, ठीक है। सो हमारी लाइफ आगे अच्छी हो, ठीक है। सो यहाँ पे इनडिसीजन आया है आपके लिए। सो इनडिसीजन यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न हो सकते हैं कि यस आप इस पर्सन को आने दो अपनी लाइफ में या ना, या ये पर्सन कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि ये पर्सन आपके लिए बने हैं या नहीं, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने दोगे या नहीं, ओके। मनी डोर टू वैल्यू आपके लिए ओपन होगा गाइज, जब ये पर्सन आएंगे आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। ऐसा भी हो सकता है आपके लिए 31 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड ऑल्सो 32, 37, 10, 1, 44, 5, 8, 19 एंड 10, ओके। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं गाइस। सो यहाँ से देख लेते हैं हु हैज़ ए सीक्रेट क्रश ऑन यू, आपके ऊपर को इनका सीक्रेट क्रश है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ ये थी, ओके। सो डिसेप्शन एंड एनवी, सो कोई ना कुछ ये पर्सन थोड़े से लाइक होता है ना कि धोखा ना मिल जाए आपकी तरफ से, या इन्होंने इतने धोखे दिए आपके साथ, कुछ आप इनके साथ कुछ गलत ना कर जाओ, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कर्मा से भी डरते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, अवेयर होते हुए दिख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को
यूज़ करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, 1 नंबर एंड 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्म फाउंडेशन 4 नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको कहा जा रहा है कि ये पर्सन आपके लिए फर्म फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप लोग अपनी लाइफ को जी पाओ, एंड ऑल्सो स्ट्रांग फाउंडेशन कि ऐसे ये रिश्ता डगमगाए नहीं आगे जाकर। हर एक चीज़ आपको पहले ही बता देना चाहते हैं, इन्होंने ये किया, सो दैट आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर पाओ, एंड यस ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी हैं। ओके, रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन, सो सेलिब्रेशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। सो ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है, अपनी लाइफ को, आपको एज अ फ्रेंड भी देख रहे हैं कि यस आप इनके फ्रेंड हो, चाहे आप इनके हस्बैंड ही हो, सो आपको थोड़ा सा यस फ्रेंडली होकर इनके साथ चलना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रिक्टनेस नहीं चलेगी इनके ऊपर, ठीक है। ये पर्सन भी ऐसे ही चाहते हैं, ठीक है। सो क्राउन चक्र अगेन एनर्जी, क्राउन क्राउन चक्र यहाँ पे भी आ चुका है। सो इनका क्राउन चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान इनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ओके, सो यूनिवर्स, फुल यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना, कायनात मिलवाने की साजिश कर रही है आप दोनों को, ठीक है। आई डोंट नो वाई बट यस, मैं आज डायलॉग्स ही यहाँ पे बोल रही हूँ सेकेंड पायल के लिए। सो यहाँ पे ट्रुथ है, सो जजमेंट आप दोनों को मिलेगी। ओके, सो बी रेडी, जजमेंट मिलते हुए दिख रही है यहाँ पे आपको दोनों के इस रिश्ते के लिए। आपके लिए 1, 4, 3 एंड 7, 7 नंबर, ओके, 7, 7 2 टाइम्स आया है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइस बहुत अच्छी रीडिंग आई है, फर्स्ट पायल तो बेस्ट थी, सेकंड पायल भी उससे कम नहीं है। ओके, सो अगर रीडिंग को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, रीडिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन को दबा देना गाइस, ऑल पे सेट कर देना। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो, ओके, इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अबाउट सेक्शन से भी देख सकते हो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको बोला जो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है इस पर्सन के साथ, आपको थोड़े से मैंने कहा कि जैसे फ्रेंडली होकर रहना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, आपको हर एक चीज़ में जैसे फ्रेंड्स की तरह। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, सो आपको बोला जा रहा है आपके लिए विन विन आउटकम आ रहे, चाहे आप दोनों फ्यूचर स्पाउस की तरह देखो अपने, मतलब बन भी जाओ तब भी थोड़ा फ्रेंडली नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में आगे जाने के लिए। सो आपके क्रश हैं जो आपको कहा जा रहा है कि वो एडजस्टमेंट्स उनके लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, एंड आपको करना भी पड़ेगा, एंड विन विन आउटकम फॉरकास्ट हो रही है आपके लिए। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, सो इमोशंस यहाँ पे हाई होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। ओके, लिब्रा तुला राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, सो गाइस कैंसर राशि इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कर्क राशि। सो गाइस अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को दबा देना गाइस। अभी के लिए इतना ही, हर हर महादेव, राधे राधे गाइस, बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।